हाय गुड इवनिंग। नेक्स्ट आम स्टार्ट करिबा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर कौन ना दे आर द केमिकल मेसेंजर्स ऑफ इम्यून सेल्स। दे आर द केमिकल मेसेंजर ऑफ इम्यून सेल्स माने कौन देखिबा। अच्छा केमिकल मेसेंजर्स ऑफ इम्यून सेल्स माने साइटोकाइन बैरियर माने जो माने सेल रु आमर सिक्रेशन होंती से मानको साइटोकाइन बैरियर को आ जाए। जो माने आमर इम्यूनो सेल को कौन करती इम्यूनो सेल माने जो सेल रो इम्यूनिटी पावर थाए बा जो माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारियर कैपेबल होंती से मानको साइटोकाइन बैरियर से उडो सिक्रेशन हैला ना तो तार केमिकल मेसेंजर बोली ताको कहा जिवो। लाइक साइटोटाइन्स नुहे सेटा साइटोकाइन्स टाइन्स लिखाई जाइए नेक्स्ट लाइन टा। साइटोकाइन्स आर लो मॉलिक्युलर वेट प्रोटीन्स दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट द डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन और फंक्शंस ऑफ इम्यून सेल। साइटोकाइन्स हमें कहाँ को कहिबा ना जो माने लो मॉलिक्युलर वेट प्रोटीन्स बहुत कम मॉलिक्युलर वेट से प्रोटीन मानकर जहार काम होची ए माने स्टिमुलेट करिवे किंबा इनहिबिट करिवे माने आइदर कौन करिवे ना इम्यून सेल रो फंक्शन को प्रोलिफरेशन को आइदर बढ़े पारिवे नले कमे पारिवे को माने साइटोकाइन बैरियर माने। दीज आर इनवॉल्वड इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन गोटे सेल रु आ गोटे सेल रे मध्ये रे माने कम्युनिकेशन रक्षा करंती दैट्स व्हाई दे आर नोन एज केमिकल मेसेंजर्स। मने रखिबो दीटा सेल मध्य रे साइटोकाइन बैरियर सब बेले कम्युनिकेशन रखिबारे सहाय्य करंती। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइटोकाइन बैरियर्स तीन प्रकार रो साइटोकाइन बैरियर्स अछंती इंटरल्यूकाइन्स लिम्फोकाइन्स इंटरफेरन्स। इंटरल्यूकाइन्स हमें कहा को कहिबा ना प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स जो माने ल्यूकोसाइट्स रु सिक्रेशन होंती ल्यूकोसाइट्स रु सिक्रेशन जो माने तांको कहा गला इंटरल्यूकाइन्स। लिम्फोसाइट्स रु जो माने सिक्रेशन हेले से मानको कहा जिवो लिम्फोकाइन्स एंड इंटरफेरन हमें कहा को कहिबा तार गोटे नाम मध्ये अछि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बा TNF प्रोड्यूस्ड बाय वायरस अफेक्टेड सेल। जो सेल को वायरस अफेक्ट करथिबो वायरस अफेक्ट करबा द्वारा सेई सेल रु सिक्रेशन हो इंटरफेरन जो इंटरफेरन टा पाखा पाकी सेल मानकु जणेई दबो जे एई सेल को वायरस अटैक करछि तो पाखो सेल गोडा को निजु को कोन कर देबे सजाग करै देबे ठीक अछि। अच्छा नेक्स्ट आला हमरो फास्ट रु स्टार्टिंग हेथिला जोठु हमरो चारि प्रकार रो थिला कोन चारि प्रकार कौन थिला बैरियर जो बैरियर भीतर गला फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर ठीक अछि सेल्युलर बैरियर एंड लास्ट साइटोकाइन बैरियर। चारटा को सरला एबे आमे सेकेंड रु स्टार्ट करिबा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आमे इनेट इम्यूनिटी विषय रे पढ़िले बा इनबॉर्न इम्यूनिटी आम बॉडी रे कौन कौन रहिला जानिले जहाँ अंडर रे गला आमर फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर साइटोकाइन बैरियर एंड सेल्युलर बैरियर। एबे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन पढ़िबा एक्वायर्ड ना रु जना पड़छि जोटा आमे कौन करे आफ्टर बर्थ जन्म परे धीरे धीरे ग्रहण करे ताकु आमे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली कहुता कहिता ठीक अछि। तो देखिबा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन द इम्यूनिटी डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ इज नोन एज एक्वायर्ड और अडाप्टिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी रे बा जे कोनोसी एनिमल बॉडी रे बर्थ परे जन्म परे धीरे 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 ग्रो करे ताकु एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली कहा जाए ठीक अछि। ताकु की इम्यूनिटी बोली कहा जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली कहा जाए। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रे किछि कैरेक्टरिस्टिक थिबा आमे केमिति जानिबा दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी बा एटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली आमे केमिति जानिबा तार कैरेक्टर्स
स्टिक जो चारटा क्यारेक्टर स्टिक रहा वन स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटीटा कौन ना इट इज द अबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स जेतेबेले बाहर बहुत प्रकार फॉरेन मॉलिक्यूल्स बॉडी को अटैक करे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाखे ए कैपेबिलिटी अच्छी से जानपर विभिन्न जो रही आमर पाथोजेन गुड़ाक आसिले फॉरेन मॉलिक्यूल्स गुड़ाक आसिले किए कौ रोग क्रिएट करें कौ उपाय मारिपर ठीक अच्छे तो से बहुत गुड़ाए फॉरेन मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करें अलग अलग करें। नेक्स्ट आसला डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी कौन ना इट कैन रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी एटा वैरायटी नो VARI एटा VARIETY वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स इट कैन रिकॉग्नाइज ए वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिसिटी रहा इट इज द अबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल तुम बॉडी को बहुत गुड़ाए वायरस आसारा तांगे कोरोना वायरस मिसिक आसाई एथरु स्पेसिफिसिटी कौन रही ना आम बॉडी रा स्पेशियल कैपेसिटी अच्छी से कोरोना वायरस को डिफरेंशिएट करी परिबो अलग करी परिबो एटा हला तार स्पेसिफिसिटी डाइवर्सिटी अंडर रे जीव जे से सब वायरस आ बैक्टीरिया को अलग 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 कर बाछी दबो दैट इज डाइवर्सिटी ठीक अच्छे। थर्ड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्फ माने निजर नॉन सेल्फ माने अन्यर एटा जाना पड़छि वर्ड तो कौन है थी ना इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड अवॉइड टू रेस्पॉन्ड दोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाहर जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स माने आसुचंती आम बॉडी को से मानंकु चिन्हि पारिबो आ तांकु अवॉइड करिबो बॉडी को एंट्री करे पई बा मार दब किंतु आम बॉडी रे जदि से गुडा को अछि तार किछि क्षति करिबो नाही तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रो मीनिंग हैला आम बॉडी रे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर रहिला तार काम होउछि बाहर आसुथिबा फॉरेन मॉलिक्यूल बा एंटीजन बा पैथोजेन मानंकु मारि बारे सहाय्य करिबो निज बॉडी रे थिबा सेही पैथोजेन मानंकु मारिबो नाही कने से माने आम बॉडी पई हेल्पफुल। नेक्स्ट मेमोरी एटा होची एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक मेमोरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोराइज द इनवेडर्स इनवेडर्स माने आक्रमणकारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोराइज द इनवेडर्स ड्यूरिंग देयर फास्ट एनकाउंटर एज ए रिजल्ट इट कैन एलिमिनेट द पैथोजेन मोर क्विकली एट सेकेंड एनकाउंटर फास्ट एनकाउंटर रु एमाने पैथोजेन मानंकु एमिति मने रखि देथिबे जे सेकेंड एनकाउंटर बेले एमाने ऑटोमेटिक बहुत स्पीड से मानंकु मारि परिबे लाइक गां गहल रे कुहा जाय जदि जणकु थरे चिकन पॉक्स बाहाड फुटी हेछि नेक्स्ट टाइम होबार संभावना बहुत कम काही कि ना जेतेबेले प्रथमे हेगला हाड़ फुटी नहीं तो सेतेबेले कोन हबो आम बॉडी रे थिबा मेमोरी सेल गुड़ाक मन रखीदे हाड़ फुटवा चिकेन पक्स भाइरस जदि आसिबो इम्यूनो पावर काम करिबो एंटीबॉडी माने काम करिबो तो सेकेंड से भाइरस माने अटैक करिया कसला बेलू एमाने आगुरु तांग सहित फाइट करिया स्टार्ट करदेबे आम बॉडी रे थिबा एंटीबॉडी विन करिबा द्वारा आमको आउ हाड़ फुटी हबनी सेइतिपई थरे हाड़ फुटी हेले कहंती नेक्स्ट टाइम होबार संभावना बहुत कम थाए ठीक अछि। एटा हला एक्वायर्ड इम्यूनिटी एबे देखिबा कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो कंपोनेंट सब कौन कौन ना रो दीटा कंपोनेंट अच्छी गोटे ह्यूमोरल इम्यूनिटी बा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इम्यून दैट इज इम्यून एठी IMMUNE इम्यून सिस्टम तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रे आसीबा हमर कौन ना इट हाज टू कंपोनेंट्स दुटा कंपोनेंट्स रहिला एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो फर्स्ट वन इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम सेकेंड सेल्युलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम
सेल्युलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो प्रथमे आम ह्यूमोराल इम्यूनिटी बा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम विषय देखिबा। प्रथमे आम ह्यूमोराल इम्यूनिटी कौन देखिबा, ठीक अछि, स्टार्ट करिबा। एउडा पढ़ुथिबो पिला माने हैला पढ़ुथिबो, जहाँ बुझि न हबो पर्सनली मते पचारुथिबो कंप्लीट करि दबो। ह्यूमोराल इम्यूनिटी एउडा पढ़ा भी सरचे, खाली टिके टिके आखि पकेबो। इट इज डेभलप्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। बॉडी रे आमर दुई प्रकार लिम्फोसाइट्स अछि, गोटे बी लिम्फोसाइट्स गोटे टी लिम्फोसाइट्स। तो प्रथमे बी लिम्फोसाइट्स टू स्टार्ट करिबो। ह्यूमोराल इम्यूनिटी इट इज डेभलप्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। इट कन्सिस्ट अफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन बॉडी फ्लुइड्स, सो अल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड्स डिफेन्स अगेन्स्ट भाइरसेस बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। व्हेन पाथोजेन एंटर्स इनटू बॉडी द बी सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस प्लाज्मा और इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। दिस डिफरेंशिएशन इज नोन एज क्लोनल सिलेक्शन। द प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज व्हिच फाइट अगेंस्ट पाथोजेन। मेमोरी सेल रिमेन डोरमेंट फॉर मेनी इयर्स और फॉर लाइफ लॉन्ग एंड सर्व टू रिकॉग्नाइज द सेम एंटीजेन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड सब्सिक्वेंटली। देखो ताले कौन हुए ना, इट इज डेवलप्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ह्यूमोराल इम्यूनिटी टा आम बॉडी रे थिबा बी लिम्फोसाइट्स रु कौन हला डेवलप कला। इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन बॉडी फ्लुइड्स। आम बॉडी फ्लुइड रे थिबा एंटीबॉडी मानको कंसिस्ट करे बा धरि रखी थाए, सो और सेइति पे यार आ गोटे ना होची एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोराल इम्यूनिटी रो आ गोटे ना होची एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स डिफेन्स अगेन्स्ट भाइरस बैक्टेरिया टॉक्सिन्स। ह्यूमोराल इम्यूनिटी सब प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन्स्ट रे काम करि पारे नाही। कहा कहा अगेन्स्ट रे काम करे ना, भाइरस बैक्टेरिया टॉक्सिन। भाइरस बैक्टेरिया टॉक्सिन, टॉक्सिन कौन पाथोजेन मानक बॉडी रु सिक्रेशन हुए टॉक्सिन। तो कौन करे ना, जितेबले पाथोजेन बॉडी को एंट्री करे, ह्यूमोराल इम्यूनिटी काम देखिबा, व्हेन पाथोजेन एंटर्स इनटू द बॉडी देन बी सेल्स डिवाइड्स टू प्रोड्यूस प्लाज्मा इफेक्ट प्लाज्मा और इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। जितेबले बॉडी को पाथोजेन माने एंट्री करंती, बी सेलटा भांगी जाए दुईटा सेल रे परिणत हो जाए, गोटे प्लाज्मा सेल बा इफेक्टर सेल आ गोटे मेमोरी सेल। ए डिफरेंस को क्लोनल सिलेक्शन बोली कहते, क्लोनल सिलेक्शन बोली कहते। जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल दुईटा सेल कौन है प्रोड्यूस है यार काम कौन, द प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी क्रिएट कला, जो मैंने पाथोजेन अगेन्स्ट रे फाइट करेंगे, पाथोजेन को कौन करेंगे डिफिट करेंगे, जहाँद्वारा आमको डिजीज हेनी। आउ जो गोटे मेमोरी सेल रहा है, मेमोरी सेलटा बहुत वर्ष पर्यंत डरमाट हो, डरमाट हो मैंने कौन करे साइलेंटली थाए, इनआक्टिव थाए, तार किसी काम न थाए। तो ये केते बेले काम करे ना, द सेम एंटीजेन व्हेन इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली। जितेबले से प्रथम जो एंटीजेन आसला आम बॉडी को ता अगेंस्ट रे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेल रु सृष्टि होता एंटीबॉडीज मैंने फाइट कले। तो ये मेमोरी सेल बहुत दिन पर्यंत से बाहर आसीबा एंटीजेन मानक मन रखिला, तो जितेबले नेक्स्ट टाइम से एंटीजेन माने एंट्री करेंगे सेतेबले मेमोरी सेल आक्टिव हे बॉडी को जनईदेब ये आगुरी आसी अगेन्स्ट रे फाइट करेंगे, ठीक अच्छे। तो ह्यूमोराल इम्यूनिटी पर्यंत कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास रे आम एंटीबॉडी स्टार्ट करिबा। थैंक यू।